हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए फेविकॉन आइकन फॉर आवर वेबसाइट। तो चलिए देखते हैं फेविकॉन आइकन होता क्या है। आते हैं ब्राउजर पे और यहाँ पे देखिएगा जो आपका टाइटल है ऊपर, उसके साथ में आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है गूगल का, तो इसी को हम बोलते हैं फेविकॉन आइकन। एज इट इज यूट्यूब के अंदर भी देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको एक यूट्यूब का आइकन दिखाई दे रहा है। तो ये आइकन हम क्रिएट कैसे करते हैं? By using HTML and CSS। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। और अगर आप ये अपनी वेबसाइट के लिए भी क्रिएट करते हो तो आपकी वेबसाइट का लुक एकदम प्रोफेशनल लगने लग जाता है। सो वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा गाइस। और एक चीज और, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने बहुत सारी यूजफुल वीडियोज आपके लिए क्रिएट कर रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने टाइटल दिया हुआ है और एक हमारी हेडिंग है। तो चलिए ब्राउजर पे ओपन करते हैं इसको, कॉपी फाइल पाथ करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और नेक्स्ट टैब में कर लेते हैं इसको पेस्ट। सो ये देखिए, यहाँ पे आपका ओनली टाइटल शो कर रहा है और साथ में ये बाय डिफॉल्ट जो भी आइकन होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। सो इसको एक बार स्मॉल डिवाइसेस के लिए ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें वो आइकन क्रिएट करना है। तो आते हैं यहाँ पे और टाइटल के नीचे एक लिंक टैग क्रिएट करते हैं। तो लिंक टैग के अंदर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए हमें लिखना है रिलेशन, और रिलेशन के अंदर लिखना है हमें शॉर्टकट आइकन, इतना हमने लिख दिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें लिखना है टाइप, और टाइप हमें क्या लगानी है, इमेज लगानी है। तो इमेज है उसका टाइप, और वो आपकी इमेज कैसी है, जनरली हम PNG इमेज यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं PNG। और अब लिख देते हैं HREF, उसका रेफरेंस दे देते हैं। तो हमारी इमेज पड़ी कहाँ है, इमेजेस फोल्डर के अंदर, और उसका नेम है लोगो b.png। गाइस एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो भी आप इमेज यूज कर रहे हो उसकी साइज आप कम से कम रखने की ट्राई करिएगा, क्योंकि आपका ये आइकन है बहुत ही छोटा दिखाई देगा, इसलिए आपकी इमेज जितनी छोटी होगी उतनी ही आपको क्लियरली वो दिखाई देगी। तो इतना हमने लिख दिया है, इसको करते हैं सेव, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा जो भी है फेव आइकन क्रिएट हो चुका है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।